गुड इवनिंग, नमस्कार। मेरा नाम सुजय गुप्ता है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन फॉर अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ कार्टो.इन प्रेजेंट्स सैटरडे स्टारडम लाइव। हमारी आज की गेस्ट की मदर से आप कुछ समय पहले सैटरडे स्टारडम लाइव पे मिल चुके हैं। हमारी आज की गेस्ट एक ऐसी एक्टर हैं जो एक होस्ट भी हैं और एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज ज्वाइन मी इन वेलकमिंग द वेरी ब्यूटिफुल एंड ह्यूमरस पूजा कंवल। Let's connect with her. Pooja Kamal, namaskar. Thank you for joining in on our episode today. And bahut sare log bade der se wait kar rahe hain. They are looking forward to meet you and know about you. Thank you for joining in. How are you? Thank you so much, Sujay, for having me. I've been very excited about it. खुद बहुत ही एक किस्म से मैं कह सकती हूँ nervous भी हूँ मैं इसको लेकर, not because I'm in front of the camera, थोड़ी सी आदत की है, but because आज मेरे लिए बहुत बड़ा role reversal है। मैं आमतौर पे आपकी कुर्सी में रहती हूँ और आज मुझे दूसरी तरफ रहना है, तो मैं अपने आप को बार बार याद दिलाती हूँ यहाँ के बीच में सवाल मैं ना पूछने लग जाऊं, आपकी लाइनें मैं ना बोलने लग जाऊं। So I guess this is like a host to host sort of feeling. But I must tell you, मैंने आपके you know interviews देखी हैं मम्मा के साथ भी with my mom Anita Kamal, and I have to tell you, I love, you are inspiring me. I love the work you're doing. जितना खूबसूरत आपका स्टूडियो है एंड जो आप होमवर्क करके आते हैं, आई शुड लर्न अ फ्यू थिंग्स डेफिनेटली फ्रॉम यू अबाउट यू नो एक आर्टिस्ट को जब वो आपसे बात करने आते हैं, आप उन्हें ऑलरेडी ये फीलिंग दे देते हैं कि आप उनको जानते हैं, तो इंस्टेंटली वो इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं। एंड आई थिंक एज अ होस्ट दैट इज अ वंडरफुल क्वालिटी। सो एवरीवन हियर, सुजय हमेशा आर्टिस्ट की तारीफ करते हैं, लेकिन आज हम शुरू करेंगे सुजय की तारीफ करते हैं। यू आर डूइंग अ फैबुलस जॉब। Okay, so coming to this, you are a host, you are a successful actor, and you are also a voiceover artist. You have so many different, you know, multi-talented personality you are. How has this journey been of yours? You know, my journey has been very interesting because ab December mein, 5th December, mujhe 18 saal poore ho jayenge performing. Just if I summarize all of these as a performer. 18 साल professionally as a performer, and if I count those ads that I did for pocket money along with college, या जो मैंने भाग के कोई telefilm की, literally not भाग के because I was always allowed, but classes bunk करके या वो सब करके, अगर मैं वो गिनूँ तो मुझे हो जाएंगे पूरे 20 साल। I know, मैं 20 साल, yeah, I'm very old, but never mind that. But the point is के एक अब आप उसे बोले that you know पहले मेरी शुरुआत हुई जब मैं बहुत सीरियस प्रोफेशनल डांस ट्रेनिंग में थी, तो या तो एक डांसर से, एक्टर से, होस्ट से, वॉइस आर्टिस्ट, लेकिन उन सब में एक चीज कॉमन है, एंड व्हिच इज बीन ट्रू टू माय थॉट द मिनट आई डिसाइडेड टू डू व्हाट आई सेट आउट टू डू 20 इयर्स अगो। और वो एक चीज कॉमन ये है कि मैं अपने आप को ना एक्टर मानती हूँ, ना डांसर मानती हूँ, ना होस्ट, ना वॉइस आर्टिस्ट, मैं सिर्फ एक चीज मानती हूँ, एंड दैट इज एन एंटरटेनर। So I believe, जैसे अगर आप भी मुझे आज इंटरव्यू कर रहे हैं, तो मैं अपने आपको यही बोल रही हूँ कि इस इंटरव्यू के जरिए कोई ना कोई कहीं ना कहीं एंटरटेन होना, किसी ना किसी को एंटरटेन होना चाहिए। अगर उन्होंने वो आधा घंटा निकाला है हमें स्क्रीन पे देखने के लिए, सो दे शुड गेट एंटरटेन। सो द मिनट आई हैव थॉट ऑफ माई सेल्फ एज एन एंटरटेनर, आई हैव बीन एबल टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम वॉन्टिंग टू बी अ हीरोइन और वॉन्टिंग टू यू नो बी इन प्रोजेक्टेड इन अ सर्टन वे। इफ आई एम डूइंग अ कैरेक्टर, आई शुड बी एबल टू एंटरटेन थ्रू द स्टोरी दैट दैट कैरेक्टर इज अ पार्ट ऑफ। इफ आई एम होस्टिंग, एज अ होस्ट मैंने कई अलग अलग यू नो एरियाज में होस्टिंग की है, एज एन एंटरटेनमेंट शो ऑन न्यूज चैनल्स, एज अ सीरियस यू नो इवन बिजनेस शोज, एवरीथिंग। But at that point of time, when that person is watching you, be it even on a live, many wedding, sangeet bhi ho sakte hain, unhein us time ke liye, jab aap unke saamne hain, they should forget everything around and they should just surrender to that content that you're presenting in front of them. So I have applied that to all the mediums as a dancer, as a voice artist, and I think that's the only thing that's kept me strong and grounded to all of that.
Wow, fantastic. तो ये मतलब घर से भी बहुत सारी इंस्पिरेशन रहती होगी. अनीता मैम इज देयर एंड वहां पे भी काफी आइडिया शेयरिंग होता रहता होगा. एंड आई एम श्योर यू मस्ट हैव लर्न्ड सो मेनी थिंग्स बिकॉज़ यू आर टॉकिंग अबाउट 20 इयर्स. उनका 20 इयर्स तो इज लाइक एक क्वार्टर कि भाई ये तो छोटा टाइम है. सो क्योंकि अब हमारे जीवन में मम्मा मेरे और फैमिली बढ़ती जा रही है और अब हमारे जीवन में कुछ नॉन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग भी हैं लाइक my husband or for that matter my daughter who's still just 8 years old. So jab hum unke nazariye se dekhte hain tab hame is baat ka ehsaas hota hai ki hamari conversations ghoom phir ke hamesha ek alag kisam ki hoti hai. Ab ye baat hame pehle nahi pata thi kyunki ghar mein thi mamma main aur meri didi jo entertainer nahi hai performer nahi hai but she's also a stylist to ghoom phir ke wo bhi kabhi kabhi apna work stress ke are us costume ki continuity mein to pink clip tha aur dress dada ne blue clip de di matlab these are very lunch time conversations in our house you know to ab hum zyada dur na jaye aaj main apne maike aayi hui hu after a good 8-10 days and I've come to mom's and I was sitting with her over lunch exactly 2 ghante pehle hamari ye baat bhi hai ki main ek ad shoot karne wali hu next week. And I was sharing with her how when we had a creative essay ki Zoom pe hamari mulaqat bhi team ke saath and though I am an actor, I am for that particular ad the model and I will go and I will do as I'm told. But fortunately for me, I have also in a lot of places have become a part of the creating process which happened by default. Mujhe nahi, you know, pehle aise lagta tha ki main baith ke कंटेंट क्रिएशन पे बैठूंगी मैं सोचूंगी कि ये कंटेंट तो बहुत अच्छा है लेकिन इसमें 4 चेंजेस है और शूट हमें एक दिन में करना है तो हमें लॉजिस्टिक्स देखने बट होस्टिंग कर करके कहीं ना कहीं मेरा थॉट प्रोसेस वैसा हो गया. तो वाज जस्ट शेयरिंग विद मॉम कि कैसे उस प्रोसेस में मैंने कुछ सजेशंस दिए और क्या उनपे यू नो रिस्पॉन्स मिला कुछ अच्छा कुछ गलत कि मैंने ये गलत बोला वट एवर एंड देन उन्होंने अपना मुझे फीडबैक दिया. सो जस्ट अ स्मॉल एग्जाम्पल ऑफ ये मटर पनीर खाते वक्त हमारे घर में ऐसी बातें होती हैं, यू नो. हाँ, जो हमें इट इज नॉट कि मम्मा आई हैव टू मीट यू और आई हैव टू आस्क यू कि मैं ऐसे क्या करूं या मैं इधर बैठी हुई हूँ अब मैं क्या बोलूं. इट इज जस्ट दैट्स व्हाई इट हैज बीन अ पार्ट ऑफ माय प्रोसेस फ्रॉम व्हेन आई वाज आई थिंक मैं 3 या 4 साल की थी जब मैंने दावा को मतलब ऐलान कर दिया था कि मैं एक्टर बनने वाली हूँ. सो My whole family knew it. तो कहीं ना कहीं एक intentional तरीके से जैसे अगर कोई और you know हिंदी में कोई गलती करे या किसी की आवाज अच्छी नहीं लगे तो आप अपने family member को बोलोगे नहीं लेकिन क्योंकि ये लड़की इतनी क्लियर है कि इसे एक्टिंग करनी है तो इसे हम अभी करेक्ट कर सो लिटिल लिटिल थिंग विच वर ऑलवेज पार्सल ऑफ द होल प्रोसेस ऑफ मी ग्रोइंग अप एंड दैट लर्निंग विच आई स्टिल थिंक इज हमारी फैमिली का एक हिस्सा. हम अभी भी बैठ के खासकर जब मम्मा मैम और मैं मिलते हैं मम्मा दीदी मैं मिलते हैं तो बातें घूम फिर के ऐसी ही होती हैं. हाँ जब ग्रुप्स बड़ी हो जाती हैं कुछ फ्रेंड्स जो इंडस्ट्री से बाहर के हैं या फैमिली मेंबर्स तब हम थोड़े कॉन्शियस हो जाते हैं कि ऐसा ना हो कि हम उन्हें बोर कर दें अपनी बातों से बट बिकॉज यही हमारी यू नो भूमि है क्योंकि हम अपने आप को डिटैच नहीं कर पाते. जैसे इसके इतनी पॉपुलैरिटी के बाद और इतना आपने यू हैव डन सो मच ऑफ वर्क You started a jewelry brand, Mehtani Jewelers. Yes. Yeah. So you know this year, no. हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल. ये जो year 2020 है, it's been a lot about change. I don't know how much everybody believes in energy cycles and changes and all. लेकिन मैं ज़्यादा deep उसमें ना जाऊँ तो भी एक चीज़ है जिस जो साल 2020 के बारे में है, that it has been a year of major, major change. You know, for some, for the better. For some, it's been for the worst, you know. Mm-hmm. So there have been all sorts of things. And मेरे साथ कुछ ऐसा टाइमिंग हुआ कि टचवुड पिछले 5 सालों से मुझे नहीं पता था दिन क्या है रात क्या है संडे क्या है मंडे क्या है. मैं सुबह उठती थी तो मुझे 10 सेकेंड लगते थे देखने के लिए कि मैं आज कहाँ हूँ कौन से शहर पे टचवुड नॉक ऑन रूम. तो उस टाइम कुछ होश नहीं था बिकॉज कैलेंडर वॉज इन अ वेरी नाइस एंड पॉजिटिव एंड इन माई ओन स्मॉल वे नाइसली डिसेंटली packed and occupied, you know. तो उस समय बिल्कुल वक्त नहीं था सोचने का कुछ और क्योंकि शायद अब इस अगर मैं 18 साल के ग्राफ की बात करूं तो हमने बहुत फेजेस ये भी देखे हैं जब 1-2 साल अच्छा काम नहीं मिल रहा होता है आर्टिस्ट को जैसा काम चाहिए थिंग्स डोंट मटीरियलाइज और वही आर्टिस्ट वही परफॉर्मर देन यू हैव सीन द 2 इयर्स ऑफ नॉट नोइंग योर नेक्स्ट हॉलिडे एंड आई थिंक दैट हैपेंस विद ऑलमोस्ट एवरी परफॉर्मर.
So yes, for me, the last couple of years, 4-5 years, were not about thinking, they were not about planning, they were just about executing and doing the work that was in my lap. Now, as we all know, the lockdown happened. I was doing a lot of events, जिसमें बहुत सारे लोग शामिल थे और कुछ ऐसे shows भी मैं TV पे कर रही थी जो because of the scenario वो अभी के लिए तो नहीं जा रहे हैं air पे. And I don't know. So this was a great time for me to sort of sit and think. And it just so happened that my husband, who is a fourth generation shooter, was also planning to start his own. He was with a joint family jewelry structure and he's been doing this. Like I said, fourth generation, to unki ragon mein, unki family mein jewelry is, like I said, for us, jaise performing hai. So it is the only conversation, it is everything. So, itne saalon se main dekh rahi thi aur main apna kaam kar rahi thi, wo apna kar rahi thi. And this was a great time because he was going solo with his own jewelry enterprise and I had time now. And you know, meri beti bhi ab ek hisab se kaafi badi aur independent ho gayi hai. And jo mere performance ke projects hain, wo bhi autopilot mode pe hai, in the sense of ek achhi security over the years of work hai kuch logo ke saath. So it was, the timing fell so beautifully into place. And I said that it would be a great way to sort of start something together. अब डर तो बहुत लगता है क्योंकि मियाँ भी साथ में काम करे तो लड़ाइयाँ भी बहुत हो सकती है. So मेरा सबसे पहले वो सवाल था. I said that I do have certain ideas that I can bring to the table, but अब फिर बॉस कौन होगा? So he said, don't worry. वहाँ भी तुम ही बॉस हो, like you are at home. So but the point is that yeah. So what is the answer? How safe he is? भाई तुम बॉस रहो, लड़ाई मत करो. बिल्कुल. He is like that, so calm. जितनी hyper मैं हूँ ना, he is that calm. So he said, you want to do, you do. No worry, then I'm there. So simultaneously this happened, and you know, it was an answer in itself. That I was getting some time off from my hosting work and all, which is still touch wood. बहुत सारे virtual events हो रहे हैं. मेरे कुछ voice project take off होने वाले हैं जो मैं बहुत जल्द आपके साथ share करूँगी. So वो सब तो है ही. But I was still left with time. तो मुझे 100 चीजें करनी होती है ना एक time पे. 20 करूँगी तो bore हो जाऊँगी. तो मुझे 80 तो करनी होती है और. So it was a lovely gradual, maybe natural shift into you know, starting our own enterprise, and we've called it Maidani Jewelers, which is of course family name. My full name is also Pooja Kamal Maidani, and there is already a sort of an association and connection with that name because wo naam raha hai char generations se jewelry industry mein. And touch wood, it no complaints, no looking back. It's been very exciting. Fine, very good. Aur वैसे भी Anita ma'am का भी एक साड़ी brand है जो हम सबको बहुत अच्छे से पता है. आई थिंक ये दोनों बिजनेसेस वेंचर्स जो है ना, ये एक साथ चलेंगे पैरेलली. आई एम श्योर यू मस्ट हैव थॉट अबाउट इट ऑलरेडी. यू नो, लोग मुझे बोलते हैं कि तुम अपनी मम्मी के लेके और अपनी पति की ज्वेलरी मॉडल करने के बाद कैसे टाइम मिलता है तुम्हें और कुछ भी करने का. So yes, but definitely they complement each other. And हमने इतना कुछ शेयर किया इवन एज एक्टर्स टुगेदर. And ये coincidence है because mom has been in the designing you know, garments and Indian wear for over 5-6 years now. और मेरे लिए ये नया है, तो ये भी एक किस्म से coincidence, you know, jewelry मेरे लिए नहीं है, of course not for my husband. तो ये भी एक किस्म से coincidence है कि दोनों यहाँ पे भी एक किस्म से, you know, कुछ मिलाव है इस field of work में भी. And luckily for both of us, हम अभी भी अपना, you know, performance करते रहते हैं. But हाँ, जब वेडिंग सीजन पिकअप होता है, सो देयर इज अ लॉट ऑफ अमलगमेशन दैट यू कैन डू, अ लॉट ऑफ यू नो लुक्स दैट यू कैन कोऑर्डिनेट एंड पुट टुगेदर. हम रियल ज्वेलरी करते हैं, फाइन ज्वेलरी करते हैं, हम पोल की भी करते हैं. सो देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग स्कोप फॉर ऑल दीज इंडस्ट्रीज. ये साल बस थोड़ा बेहतर हो जाए, चीजें थोड़ी और, वो वापस वो 2000 लोगों के फंक्शंस शुरू हो जाए. एंड एज अ होल, as a jeweler, I'm really hoping after that there's going to be no looking back again. Wow, fantastic. I hope you have all the success. आने ही वाला है, सर पे है शादियों का सीजन. तो I think सारा gear up हो चुका होगा खूब सारा. I'm sure you're doing a lot of posts on your social media as well and whichever marketing platforms you're using. Apart from this, you were worked in a lot of supporting roles in real life. Who has been your biggest support during your whole journey in your real life? Well, definitely my mom.
the biggest support, I mean, the kind of sacrifices that Mama has done for me to be who I am, to reach where I am. She's seen me through the toughest phases. She's been smiling and clapping for me through all my high points. When she hasn't been able to probably be a part of the project that I was doing, at least she's made her self present by babysitting for my kids so that she doesn't beta tu befikar reh tu perform kar main Avika ke saath. So through all of that, through my first flop, through my outdoor schedules when I would miss the ghar ki khichdi and I wasn't getting it. So from the small moment to me coming and saying, "Mama, bahut mushkil scene hai, main nahi kar paungi, main mana kar rahi hu," and she's like, "You're my daughter. You will do it." Yes. So that voice behind me is—it's still her. Of course, my husband has been supporting me immensely. It's been 14 years now. We're together. Next week is our 11th anniversary. So he's also seen a lot of—we've all gone through our ups and downs together. So, and my daughter, the three core people in my life, my daughter. So when she was about 6 and a half or something, she came up to me and I said, "Avika, na kaam mein kisi ke saath ladai hui hai, don't talk to me, main bahut snappy mood mein." And she understands because she's seen me under pressure. She's seen me getting those jitters 10 minutes before a show and she's gone and got me a glass of water. So she came and said, "What happened, Mama?" I said, "Beta, ladai hui hai, hoti hai kabhi kabhi, it's okay, but just let me be today, irritate mat karna." So I said, "Mama, main chhod dungi, main nahi kaam karungi in logon ke saath." So she said, "Mama, aise mat bolo. Jab naya project milega, tab sochna. Lekin tab tak haath mein kaam rakho." So she was 6 and a half and I was like, "Is she my grandmother? Ye kya ho raha hai idhar?" Basically, aapka aur Anita ma'am ka ye mother-daughter duo tha. Ab ye next generation Avika and Pooja ka mother-daughter duo aage chalega, hai na? I'm sure. बिल्कुल, in fact, hopefully हम कुछ plan चल रहा है that कुछ मैं और अविका भी शायद साथ में shoot करें, करते रहते हैं, बहुत कीड़े हैं दिमाग में अभी बहुत. आपने अभी पीछे एक interview में बोला था, I would not want my daughter to pursue acting. ये तो contract नहीं हो गया. आप ये सवाल जो आप आज पूछ रहे हो ना, मेरे हस्बैंड ने मुझे कल ही ये सवाल पूछा, because I was planning. अभी बहुत अच्छा सवाल है और इसका मेरे पास एक बहुत अच्छा जवाब भी है. बिकॉज क्या हुआ, माय हस्बैंड आई सेड कि मैं ये कर रही हूँ और फिर मैं अविका के साथ ये शूट करूंगी एंड ऑल ऑफ दैट, एंड ही सेड वन मिनट, डोंट यू ऑलवेज से दैट, मैं नहीं चाहती हूँ कि वो बड़े होकर एक्टर बने. सो अब मैं आपको भी उसी तरीके से समझाऊंगी. हुआ क्या था, बचपन से मम्मा दीदी और मुझे अपने साथ शूट पे ले जाती थी, अपनी दुनिया हमारे से कभी नहीं छुपाती थी. अगर कभी कोई दिल्ली में कोई छोटी एड बन रही थी, प्रोड्यूसर बोलते थे, "अनीता जी अपनी बेटियों को ले आओ," तो वो भी हम फ्री में आ जाते थे. सो हम ऐसे पले बड़े. हाँ, उसमें क्या हुआ कि मेरी दीदी ने देखा कि ये लाइफ कैसी है, एक्टिंग करना कैसा है, और उन्होंने भी बहुत छोटी उम्र में बोल दिया था कि मैं जो भी करूंगी, मैं शायद इस इंडस्ट्री में काम करूंगी, मैं एक्टिंग कभी नहीं. और मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मैं दीदी से 7 साल छोटी हूँ, लेकिन मैंने भी तभी डिसाइड कर लिया था कि मैं जो भी करूंगी, मैं परफॉर्म जरूर करूंगी. सो व्हाट माय पॉइंट इज दैट, अब ये दुनिया मेरे जीवन का ये हिस्सा है, मेरी ज्वेलरी और मेरे परफॉर्म करना. मैं अपनी एक बेटी जो मेरी है, एक बच्चा है, मैं उससे कभी अपनी दुनिया छुपाऊंगी. मैं चाहूंगी कि वो देखे, मैं चाहूंगी कि वो मुझे मेरे एक फ्लॉप पे मेरा दिल टूटे, वो मुझे रोते हुए मेरा हाथ पकड़े मेरे साथ, वो मेरे शो लॉन्च होने के पहले मेरे जो पसीने छूट रहे हैं वो देखे, वो मेरे हील्स या शू बाइट्स में जो मैं 8 घंटे नाची हूँ वो मेरे पाँव के कट्स देखे. यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वो पूरा माहौल देखे और फिर वो एक इन्फॉर्म डिसीजन बनाए, जो कहीं ना कहीं मैं होप करती हूँ कि वो ये हो कि मुझे ये नहीं करना. लेकिन क्योंकि उसने हमेशा पैदा होते से ही ये देखा है, अगर वो इसे एक्सपीरियंस नहीं करेगी, अगर मैं उससे ये छुपा के रखूंगी, तो कहीं ना कहीं उसे लगेगा दैट आई वाज नेवर अलाउड टू डू, मम्मा ने मुझे कभी नहीं ट्राई. मैं चाहती हूँ कि वो ट्राई करे और खुद उसे एहसास हो, जो हम बोलते हैं इस इंडस्ट्री में जो इतने सालों से हैं कैमरा के सामने, दैट ऑल दैट ग्लिटर्स इजंट गोल्ड, वो पीछे से कितना मुश्किल है, क्या क्या होता है, हमने देखा है. तो आई वॉन्ट हर टू बी वेरी वेरी अवेयर. इफ आफ्टर बींग दैट अवेयर शी डिसाइड्स टू डू इट, यस आई विल सपोर्ट हर एंड आई विल होप दैट हर हार्ट इज नॉट ब्रोकन, शी गेट्स द वर्क दैट यू नो इज ड्यू टू हर. बट हैविंग सेड दैट, आई वुड समवेयर डीप डाउन रियली रियली होप दैट शी डज. चलो, that I think time will decide and time will decide. Let her decide. तब तक it's a free world and I will allow her to explore everything. Yeah, I agree. आपने एक ये जो you've been the host of सास बहू और बेटियाँ,
जिसमें इतने सारे डेली सोप्स की एक्साइटिंग न्यूज शेयर होती थी एंड आप खुद करते हो, इन सब में वैसे पर्सनल फेवरेट कौन सा है आपका? एंड अगर उसमें कोई कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिले तो कौन सा करेंगे? पर्सनल फेवरेट सीरियल? हाँ यू नो मैं कोई शो इन पर्टिकुलर शायद ना बोल पाऊं, लेकिन मैं हमेशा एज एन एक्टर कॉमेडी की तरफ अपने आप को बहुत ड्रॉन फील करती हूँ. सो आई लव भाभी जी घर पर है, आई लव द अंडरटोन एंड आई लव द वेरी नॉट इन योर फेस स्लैपस्टिक कॉमेडी. आई लव दैट लिटिल क्लासी सटल अंडरटोन. और नॉट जस्ट दैट, अभी शायद एकदम से मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन डेफिनेटली कॉमेडी ना भी हो तो स्लाइस ऑफ लाइफ बट फील गुड शोज. एंड थैंकफुली फॉर मी, मैं एक ऐसे शो का हिस्सा रह चुकी हूँ, ससुराल गेंदा फूल. Yes. But what I enjoyed, since आपने सास बहू और बेटियां की बात की, really took me down memory lane. I think 5 सालों में लगभग 1500 अगर मैंने एपिसोड पुस्ती होंगे, it was a daily show. पर मैं प्राउडली बोल सकती हूँ दैट एक्सेप्ट दुल्हन का कैरेक्टर जो मुझे, या किसी त्योहार में जो त्योहार होता था हमें उस त्योहार की थीम देनी होती थी, बट बिसाइड्स दैट आई डोंट थिंक मैंने कोई कैरेक्टर रिपीट किया और सब में एक कॉमेडी ट्विस्ट में आके एंकर किया एपिसोड को. तो चाहे मैं दूध वाला या दूध वाली, मतलब आई हैव बीन बिकम एवरीथिंग. अगर मुझे कोई कैरेक्टर है जो तुमने अभी तक नहीं किया, मैंने सास बहू और बेटियां में ऑलरेडी कर लिया. हाँ. चाहे वो चंद घंटों के लिए हो और मुझे उसमें परफॉर्म करने के लिए कई साल उस रूम में ना रहना हो, बट थैंकफुली फॉर मी सास बहू और बेटियां ने मुझे इतना कुछ 5 सालों में एज अ परफॉर्मर करने को दिया. मैं मेड बन चुकी हूँ उसमें, मैं बड़े बड़े हीरोज की एक्टिंग कर चुकी हूँ, हीरोइंस. तो ऑफकोर्स यू नो जब बाजीराव मस्तानी रिलीज हुई तो वो गेटअप लिया हमने खुद से, वो गेटअप कितने अरेंज किए, उनपे कितना काम किया, उनके गानों को परफॉर्म किया, मैंने कवालियां की, मैंने सरदार जी बनी हूँ, मैं गोन बनी हूँ, मैंने मेरी कैथलिक वेडिंग हुई है, मेरी बंगाली वेडिंग हुई है, मेरी मुस्लिम वेडिंग हुई है, मैं हर किस्म की दुल्हन बनी. तो थैंकफुली फॉर मी, मैं उस एक शो ने मुझे एक जन्म भर का एक्सपीरियंस एज एन एक्टर दिया है. एंड नॉट जस्ट एम आई वेरी प्राउड ऑफ इट, बट इट्स ऑल्सो मेड सम ब्यूटिफुल मेमोरी. तो और मैंने सबको कॉमेडी अंदाज में किया, क्योंकि वो मेरी थोड़ी है कि मुझे सब चीज फनी तरीके में करना. और जब आप एंकर कर रहे हो, आप उसको एज यू नो यू कैन टेक इट ऑन व्हाटएवर नोट यू वांट, राइट? सो मैंने मजे ले लेके टच वुड. फैंटास्टिक. बट इसके अलावा डोंट यू थिंक आजकल ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी बड़ा एक डिफरेंट और नए-नए कॉन्सेप्ट्स ला रहे हैं और पॉपुलैरिटी हो रही है. ऑफ कोर्स यू थिंक दैट दीस मेजर शोज विल be replaced by what content is being floated on the OTT platform, or it will try to replace the television? Do you think? I think वो ही रहा है. I think काफी हद तक हम as audience भी बदल रहे हैं. So that हम अपने आप से ही अपने ही घरों से देखें तो it's very very clear. Cinemas जाने का तरीका ढंग बदल रहा है, movies देखने का हर चीज बदल रही है, GEC channels देखने का तरीका बदल रहा है. But thankfully for us, all our content makers are also very, of course, adept with the whole situation. They're very aware. So, वो भी अपने आप को उस तरीके से mold कर पा रहे हैं, वो भी apps पे आ रहे हैं, अपने content को tweak कर पा रहे हैं, जो उन्हें पता है कि दोनों तरह चल सके. And our whole viewing habits have changed. And I think that for actors, it's really, really good. क्योंकि हम पहले एक अलग किस्म की ऑडियंस को एंटरटेन कर रहे थे, जब हम सिर्फ सिर्फ सीरियल्स चल रहे थे एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म बिल्कुल नहीं थे, तो वो अलग किस्म की ऑडियंस थी. लेकिन इसके आने से मैं नहीं कहूंगी कि वो ऑडियंस बदल गई है, लेकिन वो ऑडियंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है. तो अब हम हर किस्म का काम दे सकते हैं एंड शॉर्ट फिल्म्स बहुत बन रही है. आई हैव ऑल्सो डन 2 short films, वन इज सून आई विल बी यू नो एबल टू टेल यू अबाउट इट. सो फॉर एक्टर्स कहीं कहीं ये भी होता है कि मुझे एक डेली सोप में एक कैरेक्टर लेके 2-3 साल नहीं करना. तो बहुत सारे एक्टर्स को कभी कभी काम इस वजह से नहीं मिलता, क्योंकि वो बनना नहीं चाहते. लेकिन अब एज एक्टर्स आपको एक्सप्लोर करने के कितने मौके मिल रहे हैं, सीजन आने लग गए हैं चीजों के. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टाइम फॉर एक्टर्स एक्चुअली, फॉर परफॉर्मर्स. और दुनिया बहुत ज्यादा खुल गई है. अनिता मैम ने भी सेम चीज कही थी कि मतलब अ लॉट ऑफ वर्क इज नाउ बीइंग फ्लोटेड आउट इन द इंडस्ट्री एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल बीइंग पोर्ट्रेड इन ट्रू स्टोरीज एज वेल. अभी आपने लेटेस्ट ओटीटी पे कोई सीरीज देखी है? व्हिच वन डिड यू लाइक?
हाँ, मैंने अभी देखी है अ सूटेबल बॉय, मैंने देखी है बंदिश बैंडिट, एंड ऑफ कोर्स आई नो मम्मा आल्सो सेड दिस, बट वी बोथ, हमने साथ मिलके नहीं, बट वी वॉच्ड एमिली इन पेरिस अपने अपने घरों में, तो हमारी कॉन्वर्सेशन होती थी, अच्छा आप कौन से एपिसोड पे पहुंचे, शीते से कहता है नहीं नहीं मैं 3 पे पहुंचू, मत बताना आगे क्या होता सो वो सब होता था, बट आई हैव लव्ड, आई एम अ बिग 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 म्यूजिक लवर, सो बंदिश बैंडिट्स तो टचवुड आई थिंक वाज जस्ट, इट वाज अमेजिंग, फिनोमिनल, amazing, amazing. I loved a suitable boy. मैंने कल suitable boy खत्म की है, तो I loved the way it just took me into an era which there was always a lot of curiosity for, but the way it made me feel कि मैं उस ज़माने की भी life जी चुकी हूँ, by just you know because I binge watched it, so I think it was love. एक्शन सीरीज नहीं देखते मिर्जापुर? मैं एक्शन नहीं देखती हूँ, मैं जब एक्शन के लिए डब करती हूँ मैं तभी देखती हूँ क्योंकि मैंने कहा मैं बोलूँ कि मैं एक्शन सीरीज नहीं देखती हूँ तो नीचे कमेंट्स आ जाएंगी, लेकिन आप तो कैप्टन मार्वल है तो मैं वो भी क्लियर कर रही हूँ, डबिंग करती हूँ मैं तो सब देखती हूँ, अपने सीन नहीं होते दूसरों के सीन भी देखती हूँ, लेकिन पर्सनली मैं एक्शन नहीं देखती हूँ मेरी लाइफ में बहुत एक्शन है सही है बहुत. On this note, I'm going to start off a segment that we have. It's called the one word, one line answer. And I'm going to ask you a certain set of questions जिसमें आप एक word या एक line में answer कर सकते हैं. Are you ready? I'm scared. Okay, let's start. Start. What makes you happy? Well, there's a lot of laughter around me. I feel happy, which is why I love to make people laugh. Okay. What do you do in your vela time? Exercise, dance, and cuddle a lot with my daughter. Okay. 3 words to define yourself. Energetic, bubbly, simple. Okay. Favorite cuisine? Indian, Gujarati food. Kuch special? ये बता सकते हैं. I love Gujarati food. I love Gujarati dal, thepla, dhokla, everything. And if not Gujarati food, I love Mexican if we speak of international. And I love Rajma Chawal, but I love Gujarati. I'm a Panju married to a Sindhi, but I kept a Gujarati cook. No connection. I just love Guju. Okay, vegetarian, non-vegetarian? Vegetarian. Okay. Favorite social media platform? Instagram. Just addicted now. I don't think we have a choice. Okay. Saturday night, gossip with friends or family movie time? What if the option is neither of the two? Girls night out? Girls night out with mad Bollywood music, with dancing on the tables, mad dance, matlab pagno wala dance. That is Saturday night. No, that was the best answer. Option C was better than the other two. और उस काम की थकान को अपने आप से पूरा रिलीज करने के लिए मैं सिर्फ डांस के बारे में सोच सकती हूं. वैसे शो होस्ट वाले लोग ना ज्यादातर गॉसिप करते हैं, मतलब ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टिंग हो गया है. ऑन स्क्रीन गॉसिप करने के पैसे लेते हैं, फ्री में नहीं करते. अरे वन वर्ड वन लाइन था भाई, वापस आओ. इसके पहले के पूजा एक किताब लिखते व्हिच आई एम नोन फॉर बाय द वे. व्हाट इज द मोस्ट व्हाट इज द वन थिंग दैट यू आर मोस्ट अफ्रेड ऑफ? अनपीसफुल सिचुएशन. ओके. बेस्ट गिफ्ट एवर रिसीव्ड? My daughter. मैं बोलने वाला था कि I don't want to hear Abhika anything else. I know that is already the best. The best gift ever is the fact that I have a little girl. Girl like this thing because it was my dream and it happened. So yeah. अरे भाई, let me rephrase the question. What is the best gift that you ever received on a Valentine's Day from your husband? कुछ तो. I don't receive Valentine's gifts from my husband. From anybody for that matter. Your mom has a sari brand. Come on. Never, never, no gifts. If any gifts, it's just food, food, food. That's it. Very big food. So yeah, no gifts. Specifically Gujarati food award.
No, when I go out, I'm happy to like try a lot of different cuisines. But dil se wo pata nahi kya hai for stuff for Teplaz. I don't know what it is. Definitely not on a Valentine's Day. If I tell my husband, can you get me Teplaz on this Valentine's Day? He'll be like, who have I married? So no, before you're imagining me with my husband with this candlelight dinner and one dal dhokli in the middle, no. It's not happening. Not happening. The final question for today, favorite holiday destination? Favorite holiday destination? Budapest. I've actually been to Budapest on a work trip, which I extended to 2 days of holidaying alone. And I still have this major thing that I want to go there with my husband, with my daughter, with my family. I think again, Australia and Budapest, these two. So yeah, I would definitely want to do like a lot more time, like a lot more holiday time in these two. So this is the end of the one word, one line. Usme bahut sari line ho gaye, bahut sare word ho gaye. Technically, aisa hota nahi hai. But go on. नहीं, I have to tell myself only one word, वो ऐसे ठीक है, it was really really fun. ये वाला one word one line अच्छा था. So I'm gonna ask you another one or two more questions before we wrap this up. You are also a member of Cinta. What is the how's the experience? I mean, there are very senior people who are members. Abhay Bhargav ji we interviewed, and a lot of people who are member of Cinta's. And Cinta actually in the lockdown did a lot of stuff for the industry and those workers and people who are working. How is your experience of Cinta, and what are the good activities now to revive the industry again and to help those out that are happening? जो सवाल ये दो पेजेस का होता है उसका जवाब एक शब्द में कैसे दिया जाता है? Thank you. फिर मैं फ्री हूँ, ओके, फिर देन इट्स ओके, आई एम वंडरिंग इसका जवाब मैं एक शब्द में कैसे दूँ? तो एज यू नो कि हाँ, काफी सालों से मैं सिंटा के साथ, थैंकफुली मेंबर दे अलाउड मी टू बी अ मेंबर व्हिच आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम फॉर. And mama kafi active hai Cinta mein. So, you know, more than anything, of course, there are bodies of work wherever aap jahan bhi kuch bhi karein, it will be a part of a certain body. But yahan pe isliye achha lagta hai kyunki ek sense of feeling of, you know, apna home hai, ye apni biradari hai, apne log hain, apne ek wo jo bahut hi judi hui feeling. There's so many people in Cinta on the forefront that have been working with mom since main literally short ke beech mein jab mamma ki god mein baithi hoti thi, to wo bhi sab hain aur main unko tab se mere ko lagta hai ki yahan sab mere parivar ka ek hissa hain. So unfortunately main zyada time nahi de pati thi Cinta ki activities ko, but ek itna acha lagta hai to just know that a body that is doing such wonderful work, as you mentioned, that even in the tough times holding all the actors together. हमें तो पता ही है कि हर इंडस्ट्री कितनी हिट हुई है, लेकिन हमारे लिए कितनी बड़ी. इवन टुडे जो लोग जैसे हम, जैसे मैं होस्ट करती हूँ लाइव शोज जहाँ 1000-1500 से कम के यू नो नंबर्स में शोज होते ही नहीं है, वो इंडस्ट्री अभी तक वापस नहीं आई है. हाँ, सीरियल शूट हो रहे हैं, वेब हो रहा है, एंड अ लॉट ऑफ यू नो डबिंग इज हैपनिंग, बट अभी तक अगर हम बोलें कि अब सब ठीक हो गया, अभी तक बहुत सारी चीजें हैं जो ठीक नहीं हुई है. देयर यूज्ड टू बी अ लॉट ऑफ ट्रैवल इन्वॉल्वड इन द वर्क दैट आई डिड. Never mind, having said that, ups and downs सबने देखे हैं, और खास करके ऐसे समय में तो कि you know the gravity of the situation is a lot. Absolutely. Coming back to what Cinta has done has been amazing, and I feel a huge sense of pride. जैसे मैंने कहा that I feel very grateful to them that they've allowed me to be a member, and it also gives me this sense of you know this value that we should bring something, some value to ये वो जो Cinta का एक card है, वो सिर्फ एक card नहीं है, वो एक जिम्मेदारी भी है. And I feel like a part of a larger solar system and a part of this one big family. Feels really nice. Thank you so much, Aaj, to you know joining with the fans of this show and your fans. Any message you have for your fans and the young aspirants who are still struggling to make a mark in the industry? I think I'll tell the young aspirants the same thing that I always say, that all that glitters isn't gold.
बहुत सारी चीजें हैं जो जब तक आप उन्हें उनके साथ गुजर नहीं चुके हो आपको कभी एहसास नहीं होगा कि वो किस हद तक मुश्किल हो सकती है. नॉट आस्किंग फॉर एनी सिंपथी, सब अपने पूरे होशो आवाज में ही डिसीजन देते हैं किसी इंडस्ट्री का हिस्सा बनने के लिए. एंड व्हेन यू डू इट यू हैव टू टेक इट विद ऑल दैट कम्स योर वे. बट लिटिल सेंसिटिविटी समटाइम्स, इवन अगर हम देखें तो सोशल मीडिया पे अगर हमें इतना प्यार मिलता है, कभी कभी कुछ चीजें होती हैं जो समझ नहीं आती हैं. जैसे कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जो यू नो इट्स लाइक आप हमारे गुड मॉर्निंग का रिप्लाई नहीं करते, व्हिच इज नाइस, इट्स लव, बट यू नो आपने उस फ्रेंड के साथ उस शो में काम किया तो उन्हें हमारा ये मैसेज दीजिए दैट हम सब अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं टू वर्क हार्ड टू कीप इट ऑल टुगेदर ऑन द होम फ्रंट द वर्क फ्रंट एंड यू नो डोंट पुश एनीबडी टू डू एनीथिंग दे डोंट वांट टू डू बिकॉज़ यू विल नेवर अंडरस्टैंड टिल यू वेयर देयर शूज व्हाट देयर लाइव्स आर ऑल अबाउट. सो अ लिटिल सेंसिटिविटी, यस, कीप द लव कमिंग, इट्स वेरी वेरी वेलकम. And a very big message to all our listeners is that you must watch Sujay's show. He is amazing. He puts and Saturday Stardom Live is a beautiful platform. मैं बहुत excited थी जब से मुझे call आया कि मुझे इस platform पे आना है. As a host, अब मैंने भी बहुत, in fact, as you know कि मैं सासबहू और मीडिया कर रही थी तो लॉकडाउन में जब हमारा शो काफी टाइम यू नो एयर पे नहीं गया था तो मैं यही कर रही थी. मैं लोगों के साथ कन्वर्स करके हमारे यूट्यूब चैनल पे जा रहा था तो ऐसे ही रिमोटली हम लोग बैठ के इंटरव्यू कर रहे थे. तो वॉट इट टेक्स टू सेट अप अ ब्यूटिफुल सेटअप लाइक दिस, टू एक्चुअली गेट पीपल्स डेट्स, टू मेक देम कम्फर्टेबल, टू डू होमवर्क ऑन देम. और ये जो 30 मिनट्स आप देख रहे हैं उसके पीछे इतना कुछ जाता है. I think this platform is doing it so so beautifully that aap dekhte rahiye, pyar dete rahiye taki ye aise hi padhta rahe. Thank you so much, Pooja. Thank you so much. And thank you everyone for whoever is watching. I want to really thank Pooja for saying such nice things about my channel. And I hope you also had a good time here. And everybody who's watching it, please do follow Pooja. She's there on Instagram. And if you like the show, please do share the link with everyone that you know in your circle. I would love. How sweet. That's... Thank you so much for joining in today. Yes, thank you so much for having me. I hope हमारी मुलाकात हो. आप तो अकेले अकेले दिल्ली की ठंड का मजा ले रहे हैं. मुंबई में सेकेंड समर फुल स्विंग में है इस वक्त. लेकिन आई होप किसी दिन ये दुनिया पहले की तरह एक बार फिर से खुल जाए और फिर से छोटी सी हो जाए और हम कुछ रियल लाइफ में भी एंटरटेनमेंट साथ में सोच सकें. और जैसा हमारा एक ही मकसद है अपने ऑडियंस को एंटरटेन करना, तो होपफुली वी कैन कोलैबोरेट इन मेनी वेज. और यस प्लीज सुजय, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग अस. प्लीज डू फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम पेज बिकॉज इफ यू लाइक द क्रेजी मी दैट आई एम, आई थिंक आई कीप अ लॉट ऑफ मैडनेस ओवर देयर ऑन माय इंस्टा पेज जा कमल एम. सो यस एंड थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस. और अगर आपने एंड तक इंटरव्यू देखी है तो थैंक यू. ऑलराइट, थैंक यू सो मच पूजा, हैव अ ग्रेट डे. You too. Okay. Bye-bye. Bye. Good night, guys. So this was Pooja Kaval, जिनके साथ हमने इतनी hilarious बातें की. आज के लिए इतना ही. Next week एक और सेलिब्रिटी को लेके आऊंगा जिनकी लाइफ के बारे में हम बहुत कुछ जानेंगे. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें इस वीडियो का लिंक. और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. टिल नेक्स्ट सैटरडे, आई होप एंड आई प्रे that you stay safe and protected. Till then, namaskar.